और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया, जिसमें 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन की तकर्री के मामले पर मुशावरत होगी। वफाकी काबीना के इजलास में इत्तेहादियों से रवाबित और उनके मुतालबात का भी जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा काबीना इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट कमीशन की तश्कील और बलूचिस्तान की खुसूसी एपलेट अदालत के जज की तैनाती और काबीना वर्कर्स वेलफेयर फंड की गवर्निंग बॉडी की तश्कील नौ की मंजूरी भी देगी। वज़ारत कौमी सेहत के ज़ेरे तामीर तरक्याती मनसूबों की तकमील की इजाज़त और ओ पी एफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तब्दीली का मामला भी काबीना के एजेंडे में शामिल है। आटे और चीनी की कीमतें बढ़ाने पर मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट भी वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। इसके अलावा वफाकी काबीना को बिजली और गैस की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी।